नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने राजघाट पहुंचकर बापू को दी श्रद्धांजलि। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, राहुल ने महात्मा गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों को दी श्रद्धांजलि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहाँ राहुल गांधी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी है, और राहुल गांधी ने महात्मा गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि दी। नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव और अटल की समाधि को किया राहुल ने नमन। इस वक्त की बड़ी खबर, 108 दिनों के बाद दिल्ली में कुछ दिनों के लिए रुकी है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा 2 जनवरी तक रहेगी बंद। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली में राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों को राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पंडित नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव और अटल की समाधि को राहुल गांधी ने किया नमन। इस वक्त की बड़ी खबर, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, दिल्ली पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा की जो पूरी टीम है कांग्रेस की, और इसके बाद साथ ही राहुल गांधी ने आज राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी समेत प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है, पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा चूंकि दिल्ली पहुंच गई है, और शनिवार को शाम को भारत दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंकज से, हम दोबारा कांटेक्ट करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने राजघाट पहुंचकर बापू को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंडित नेहरू, शास्त्री, इंदिरा और राजीव और अटल की समाधि को किया नमन। 108 दिनों के बाद दिल्ली में कुछ दिनों के लिए रुकी है भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा जो है ये 2 जनवरी तक बंद रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, और कांग्रेस के सभी नेता दिल्ली में मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, राजघाट पहुंचे हैं राहुल गांधी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो यात्रा है वो दिल्ली पहुंचने के बाद शनिवार को इस यात्रा को वहां पे विश्राम दिया गया है, और इसी क्रम में राहुल गांधी आज सुबह चुकी महात्मा गांधी की समाधि पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी पहुंचे और वहाँ पे श्रद्धांजलि दी सभी नेताओं को। ये एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस यात्रा में जो टी शर्ट पहने थे वो चर्चाओं में रहा कि इतना महंगा टी शर्ट है, लेकिन ये बड़ी बात है कि इस कड़ाके की ठंड में एक चीज देखने को मिली कि राहुल गांधी उसी टी शर्ट में और उसी पैंट में कड़ाके की ठंड के बीच में गए, और जाकर के वीरभूम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी, जो स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उनकी समाधि स्थल पर पहुंचे वीरभूम में। वहां पे उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वो शक्ति स्थल पहुंचे और अपनी दादी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी शांति वन गए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर, राष्ट्रीय स्मृति जो कहा जाता है, वहां पे पहुंचे और उनको भी पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही साथ स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जो एक बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पे जिनको जाना जाता है, उनको भी राहुल गांधी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया हुआ है। उसके बाद सबसे अंतिम में राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, चूंकि सारे नेताओं के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी का जिस तरह से राहुल गांधी ने रिस्पेक्ट किया है, ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को सोच रही है कि कांग्रेस की तरफ से ये जो सम्मान मिला एक राष्ट्र नेता को और भारत रत्न को बेहतर सम्मान दिया गया है राहुल गांधी के द्वारा। आपको बता दें कि अब ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को फिर से दिल्ली से शुरू होगी और कश्मीर में जाके खत्म होगी। देखा जाए तो बीते दिनों 9 राज्यों की यात्रा कवर करने के बाद से, चूंकि कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी और दिल्ली में आके अब जाके यात्रा को विश्राम दिया गया शनिवार शाम को। रागिनी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद पंकज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां राहुल गांधी ने महात्मा गांधी समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, और 108 दिनों के बाद दिल्ली में ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो है रुकी है। भारत जोड़ो यात्रा 2 जनवरी तक बंद रहेगी और 3 जनवरी से फिर से इसकी शुरुआत होगी, और कश्मीर जाकर भारत जोड़ो यात्रा रुकी।